हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम फिरोज है। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फेमिनोरा जेल का। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फेमिनोरा जेल के बारे में, इसके फायदे के बारे में कि इसका फायदा हम कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं, लगाने के बाद इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, क्या कंपोजिशन डाला गया है, इसका प्रॉपर डोज क्या है और किस तरह से इसके इस्तेमाल करना है, ड्यूरेशन क्या है, कितने महीने तक इसको हमको यूज करना है, कितने रुपए का आएगा और कहां पर मिलेगा, सेफ है कि नहीं, पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अगर बात करें फेमिनोरा जेल के बारे में तो ये सिर्फ महिलाओं के यूज के लिए है और पुरुष जो हैं उनके लिए बहुत लाभकारक है ये वीडियो, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि ये किस बीमारी में यूज होता है। तो ये जब वो वीडियो देखेंगे तब उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, एक्चुअली ये बीमारी है और इसका यूज इसलिए होता है। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन या कुछ डाउट है वो पूछ सकते हो। तो आप बात कर लेते हैं फेमिनोरा जेल के बारे में। तो देखो, जो फेमिनोरा जेल है वो एक किस्म का जेल है और एक डिब्बी में, एक पैकेट बोल सकते हो, जिसमें तीन ट्यूब आता है एक डिब्बी में, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से इसका ट्यूब दिखता है और ये तीनों का एक पैकेट में, जो तीनों की प्राइस है 325 रुपया है। फिलहाल 325 रुपया है। जो प्राइस होती है आगे पीछे बढ़ती रहती है, घटती रहती है। और इसको हेट्रो नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है और आपको ऑनलाइन नहीं तो मेडिकल पर ये आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें फेमिनोरा जेल के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें बहुत सारे लुब्रिकेंट डाले गए हैं। एक्चुअली ये लुब्रिकेंट है और लुब्रिकेंट डाले गए हैं जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, जो कि मेन पार्ट होता है वीडियो का। तो ये जो है ये उन महिलाओं के लिए है जिनका प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो, ड्राइनेस होने की वजह से जब वो कंसीव करेंगे, जब कंसीव करने की प्लानिंग करेंगे या जब वो संभोग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। यही कारण है कि वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से ख़त्म हो, उसके जो फीमेल पार्टनर है वो सोचती है कि बहुत जल्दी से ख़त्म हो और हमको राहत मिले, और ये बार बार होगा। और जो मेल पार्टनर है वो इसको समझ नहीं पाता है और इसको अलग एंगल से उसको लेता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक बीमारी है। क्या होता है, ड्राइनेस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनको कंसीव करने का मन नहीं करता है और वो उससे दूर भागते हैं, और जो मेल पार्टनर है उसको इसके लिए पता नहीं रहता है। तो यही स्टार्टिंग में मैंने इसलिए ही बोला था कि जो पुरुष लोग हैं उनको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। तो ये ड्राइनेस को दूर करता है। और बहुत टाइम क्या होता है कि ड्राइनेस की वजह से जो स्पर्म है वो अंदर ही डैमेज हो जाता है, ओवरी तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से महिला कभी प्रेग्नेंट भी नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, महिलाओं को भी नहीं पता रहता है और पुरुषों को भी नहीं पता रहता है। तो इसका ये जो वीडियो है, इसका जो फेमिनोरा जेल है, इसका जो यूज है, महिला के जो प्राइवेट पार्ट में ड्राइनेस होता है उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। और ड्राइनेस अगर है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जो कि आपको पता ही होगा। दोस्तों, अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो साइड इफेक्ट नहीं इसका है और बहुत कम ही देखा गया है। जिसको कंटेंट से एलर्जी है उसको खुजली या जलन महसूस हो सकती है। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसके डोज की बात करूं तो इसको 3 महीने तक आपको कंटिन्यू यूज करना है, एक ट्यूब डेली। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का यह है कि इसको यूज कैसे करना है। तो इसमें ट्यूब दिया गया है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आपको इस तरह से एक ट्यूब रहेगा, उसको महिला के प्राइवेट पार्ट में अंडर डालना है ट्यूब को, और उसको दबाना है, पुश करना है। तो जिसमें उसमें जितना भी लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट मतलब चिपचिपा पदार्थ, वो अंदर चला जाएगा और 2-3 बार आपको पुश करना है, जितना भी ट्यूब में रहेगा अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद वो अपना काम करेगा और आपको ड्राइनेस को खत्म करेगा। तो इस तरह से इसका यूज करना है और आपको डेली एक ट्यूब यूज करना है, कम से कम 1 से 2 महीने तक, कभी कभी 3 महीना भी देते हैं। तो इस तरह से इसका यूजेस है। सेफ्टी की बात करूँ तो ये सेफ है, लेकिन इसको प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना है, पीरियड के टाइम पे नहीं यूज करना है, ये 2 चीज़ का ख्याल रखना है। और इसको आपको मुंह में नहीं लेना है, लगाना नहीं है, ऊपर ही नहीं लगाना है, उसको अंदर डाल के पुश करना है, ये बात भी आप समझ लो। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी फेमिनोरा जेल के बारे में।
आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।